सामाजय डैडी जी उठ गए यस डैडी जी यार उठ गए डैडी जी अब वो सीधा आएंगे बोलेंगे दामाद जी भाप लेनी है पानी गर्म कर दो बताओ हम इस घर के जमाई हैं कि छोटू दिन भर सारा काम हम ही करें यार अब तुम दोनों करो बताओ आज कौन कौन क्या क्या खाएगा बताओ भाई क्या खाओगे अगर बाहर से मंगा रहे हैं तो डैडी जी पिज्जा मंगाते हैं ना नहीं दामाद जी आज मैं घर पे हूँ तो खाना मैं बनाऊंगा जल्दी जल्दी बताओ कौन क्या क्या खाएगा तू बनाएगा अरे नहीं नहीं बहू आती होगी बना देगी अम्मा सविता दुकान संभालेगी और मैं घर संभालूंगा यही फैसला हुआ था ना तो फिर खाना भी मैं बनाऊंगा तू आज बड़ा खुश दिखाई दे रहा अरे अम्मा जिंदगी बीत गई टेंशन लेते लेते क्या मिला और टेंशन इसलिए मैंने अभी ये फैसला लिया है नो टेंशन जो हो रहा है होने दो इन सब पछड़ों में पड़ना ही नहीं मुझे मैं कुछ बना क्या है एक दिन घर में रह के इतना असर वाह ही इज टोटली चेंज मैन डडा 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 डडी डडा 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 टमाटर डालने के बाद पानी डालेगा या पूछ रहे कि बता रहे आपका क्या ख्याल है दामाद जी मुझे लगता है कि सासू माँ का इंतजार कर लेना चाहिए देखिए खाना खराब कर देंगे आप भूखे नहीं सोना है सासू माँ सासू हटिए मैं बनाती हूँ अरे सविता दिन भर की थकी हारी आ रही हो मैंने पूछा कहाँ से आ रही हो नहीं ना तुम पे छोड़ दिया ये तुम मुझ पे छोड़ दो चलो 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 अरे देखो तुम नहा धो के तैयार हो जाओ मैं खाना बना के लगा देता हूँ आज तक तुम्हारे मुंह से ये सब सुनते आए थे आज मेरे मुंह से सुन रही कैसा लग रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है नहीं छोड़ो छोड़ो तुम चलो नहीं तुम चलो 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 नहीं 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 तैयार हो जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ इन्हें क्या हो गया अचानक लगता है अक्कल आ गई बहुत समय बाद खुश देखा है करने देना उसे कांग्रेचुलेशन सासुमा सुना आपने किला फतेह कर दिया वो भी गैर कानूनी तरीके से ओ जीजे धीरे से पापा खुल गई दुकान नहीं उस ऑफिसर ने कल बुलाया है कल क्यों अपने ऑफिस में रिश्वत नहीं लेता वो बाहर मिलने बुलाया है तेरे पापा को तो इस सब के बारे में पता नहीं चला ना लो अम्मा ला 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 ला। मैं ले नहीं नहीं मैंने बनाया मैं ही खिलाऊंगा चखो अम्मा और बताओ बेटा पास हुआ के नहीं अच्छा बना अरे सारा क्रेडिट आप ही लेके जाएंगे क्या डैडी जी हमने मिलकर बनाया इट्स टीम वर्क सही है अच्छा मैं चाहता हूँ कि सबसे कुछ बात की जाए अब क्या है कि सिस्टम बदल गया है सविता जो है अब काम काज संभाल रही है और मैं घर तो मैं चाहता हूँ कि घर के कुछ नियम चेंज किए जाए मेरे हिसाब से ताकि मुझे घर चलाने में आसानी हो ज्यादा कुछ नहीं है मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम सब एक दूसरे से कुछ वादे करें वादे कैसे वादे दामाद जी जो निभाए जाए जिनसे परिवार जो है परिवार बना रहे क्यों अम्मा तो मैं चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए इस घर में कोई भी अपने को दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं मानेगा अगर किसी को किसी की शिकायत करनी हो या कंप्लेंट करनी हो तो पीठ पीछे नहीं सामने करें और सबसे जरूरी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे अब जो कल की जो बात थी वो कल पे छोड़ देते हैं पर आज से ये नियम निभाए जाए
आज क्या किसी ने किसी से झूठ कहा? अम्मा नहीं कोई झूठ क्यों बोलेगा, क्यों सासू मां? भाई तुम सब अपनी माँ पे जो गए, ये एक और थी। ये सब चल रहा है यहाँ? माया ने भेजा मुझे, दो नंबर का काम करने से, और तुम रिश्वत के लिए पैसे जमा कर रही हो। आप एक मिनट चुप रहो, मैं कुछ कर पाऊं इस लायक तो समझते नहीं हो मुझे। अब इतनी भद पीट दी है मेरी कि ये बताने लायक भी नहीं समझा, खुद चली गई अपने बेटों के साथ। बाप हूं मैं इनका, कम से कम उतना तो बना रहने देती। मदर इंडिया, तुम्हारे पापा भी ना पूरा भार खुद पे लेने की आदत है इन्हें हमेशा से। अब तबीयत खराब में कहां परेशान करती मैंने। चलो कोई बात नहीं, बीपी नॉर्मल हो जाएगा तो इनका मूड भी सही हो जाएगा। वैभव तू जा जाके पापा की दवाई ले आ, खत्म हो गई थी नेक। अम्मा लेट गया वो कमरे में, लेट ही गए होंगे। तू भी आराम कर लिया, नींद नहीं आ रही अम्मा, तो बैठ। क्या करूं, लड़ती रहूं या हार मान जाऊं? मां हार नहीं सकती, वरना पूरा परिवार हार जाएगा। तो सारे धागे भगवान ने माँ से ही क्यों जोड़ दिए? फिर माँ तो मोह करेगी और मोह में एक हाथ गलत कदम भी उठा लेगी। रिश्वत देके दुकान बचेगी, ना बचाऊं मेरा घर बना रहे इसीलिए भाग रही हूं, और ये सोच रहे मैं इनकी जगह ले रही हूं। देख तू कुछ कर रही है ना, ये उससे देखा नहीं जा रहा, तो ये उसकी परेशानी है तेरी नहीं। जरूरत पड़े तो ले जगह उसकी, माँ हर किसी की जगह ले सकती है पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, और ये वो कभी नहीं समझेगा। पैसे देने को ये नहीं मानेंगे, और पैसे ना दिए तो ऑफिसर नहीं मानेगा। मेरी तो दोनों ही तरफ हार है ना अम्मा, और मेरे इस हार में सबसे बड़ा हाथ पता है किसका है? किसका? वो जो वहां बैठी मजे से सारा खेल देख रही है, लक्ष्मी मां। कभी मेरी मदद को नहीं आई, इतनी सी भी कृपा की होती ना इस घर पे तो आज ये हाल नहीं होते हमारे। कसम से अम्मा, अगर लक्ष्मी मां मुझे कभी मिल जाए ना तो अपने एक एक दुख का हिसाब मांगूंगी उनसे, छोड़ूंगी नहीं। तुझे आज तक लक्ष्मी माता के दर्शन नहीं हुए? आपको हुए हैं? हाँ, मुझे तो बहुत साल पहले ही दर्शन हुए थे। आपने लक्ष्मी मां को देखा है? हाँ। साक्षात दर्शन, 30 साल पहले दिखी थी मुझे पहली बार, सब उन्होंने दिया, मेरा पूरा घर भर दिया,
साल पहले दिखी थी। 30 साल पहले ही तो तू आई थी ना इस घर में बहू बनकर। मेरी लक्ष्मी तू है सविता, और तू कहीं और लक्ष्मी ढूंढ रही है। मैंने तो मेरी लक्ष्मी पर उम्मीद नहीं छोड़ी, तो तू अपनी लक्ष्मी पर उम्मीद क्यों छोड़ती है? हाँ भाई, तेरा ही केक ले रहा हूँ। अरे कमाल करता है यार, इतनी रात में तेरा ही काम कर रहा हूँ, उस पे भी मुझे ही सुना रहा है। अरे हाँ, रेड वेलवेट ले रहा हूँ। भैया केक रेडी है? यस मैम। ओ हाय। हाय, हाउ आर यू? गुड। तुम यहाँ? केक लेना? अब मैं भी यहाँ केक लेने। ओ, वैसे तुम्हारी कल वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? कौन सा प्रॉब्लम? अब वो मेरे वजह से होते होते रह गई थी ना। अच्छा, वो तो हो जाएगा। मतलब अभी तक नहीं हुआ? ओ गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं ना रात भर सोचती रही। तुम्हें ना हम दोनों के बीच में आना ही नहीं चाहिए। मैं उस बदतमीज को ना। इट्स ओके। नो, अब वैसे काम क्या था? थोड़ा टेढ़ा मामला है, बट थैंक्स। आई मीन, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ क्या? एक नगरपालिका का ऑफिसर हमारी दुकान सील कर गया है। पैसे लिए बिना दुकान नहीं खुलेगा, पर ये उसका कमाने का तरीका है। बट आप रहने दीजिए। मैम ये आपका। मैम इसमें लिखना क्या है? हैप्पी बर्थडे मम्मी। मैम ये आपका केक। थैंक यू। सर और ये आपका केक। थैंक यू। अरे कैंडल, मैं अभी लेके आता हूँ। एक ही कैंडल बचा था, आप ले लीजिए। No, it's okay. आप रख लीजिए। नहीं, आपकी मम्मी का बर्थडे है, आप रख लीजिए। लेकिन आपका भी तो कुछ इम्पोर्टेंट काम ही होगा ना, so it's okay, keep. अरे ये तो मेरे फ्रेंड की एनिवर्सरी है, उसका केक है। वो रोज कोई ना कोई एनिवर्सरी मनाता है। अब 7वीं बार आई लव यू बोला होगा, उसकी एनिवर्सरी होगी। कैंडल नहीं होगी तो भी चलेगा। पर एक्चुअली मेरी मम्मी नहीं है, so, कैंडल बुझाएगा कौन? इसलिए आप ही रख लीजिए। तो केक किसके साथ काटोगी? पापा है, पर वो शहर के बाहर है, तो आई गेस इस साल अकेले ही। वैसे मुझे केक्स बहुत पसंद है, मेरे साथ काटोगी? हम साथ में तुम्हारी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड। पर तुम्हारी दोस्त की एनिवर्सरी, तुम लेट नहीं हो जाओगे? तुम जल्दी करोगी तो नहीं होगा। प्रणाम मुन्नी जी। जी जी जी, सब बढ़िया है, आप बताइए। वहाँ बारिश वारिश हुई कि नहीं? वहाँ दुकान फर्स्ट क्लास चल रही है। जी जी, क्यों सील? नहीं जी जी, दुकान पे सील क्यों लगेगी? अरे लोग कुछ भी कहते हैं, आप उनकी बातें सुना मत कीजिए। ये सविता यहाँ पे, आप सविता से पूछ लीजिए। वो मुन्नी जीजी का फोन है, किसी ने उन्हें कह दिया कि दुकान पे सील लग गई, पता नहीं कौन के कान भर रहा है। तुम जरा बात कर लो। हाँ प्रणाम जी जी। अरे नहीं नहीं, किसी ने ऐसे ही बोल दिया होगा आपको। ये तो दुकान जाने को तैयार खड़े।
हाँ बस अभी नाश्ता लगाऊंगी। हाँ अगले महीने रोहित आएगा तो उसके हाथों भिजवा दूंगी सेब। हाँ कितने पैकेट भेजूं? जी 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 पन्ना। हम दोनों एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों ना साथ मिलके लड़े। दुकान की सील खुलवाने के लिए ऑफिसर को पैसे देने जा रही हूँ, चली जाओ। देख लो जो तुम्हें सही लगे। विराट समिति द्वारा आयोजित विशाल भंडारा, आए और माता का प्रसाद ग्रहण करें। सिर्फ पैदा करने से माँ नहीं बनती भैया, खिलाऊंगी क्या अपने बच्चे को? आप ही बताइए बहन जी। छह महीने के बाद फिर से योजना आएगी, तब ट्राई करना। छह महीने तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरी मदद कर दीजिए। सुनिए आप कल वहाँ सरकारी शिविर में देखा था आपको। जी आप यही कहीं आसपास रहती हैं? नहीं यहाँ भंडारा चल रहा था तो खाने आए थे और बच्चों के लिए भी ले जाएंगे। आपने तो काम शुरू कर दिया होगा ना, आपको कल पैसे मिल गए थे? आपको नहीं मिल पाए ना। अपनी अपनी किस्मत होती है दीदी, आपका नंबर वहाँ लग गया और हमको यहाँ लगाना पड़ रहा है। मेरे साथ आइए। ये आप रख लीजिए। इतने सारे पैसे सरकारी शिविर में मिले थे, रख लीजिए। नहीं नहीं दीदी, हम आपके पैसे कैसे ले सकते हैं? आप रख लीजिए, मेरे बेटों ने बंदोबस्त कर दिया है, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। आप इससे अपना काम शुरू कर दीजिए, रखिए। तुम क्या कल से मेरा पीछा कर रही हो? तुम्हें तो उन पैसों की जरूरत थी ना, मैंने देखा तुमने वो सारे पैसे सौरभ को दे दिए। मुझसे ज्यादा वो तकलीफ में थी, दे दिए। बहुत अच्छा किया, अब तुम देखना तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा होगा। अरे तुम जाओ, ये उम्मीद भरे शब्द नहीं सुनने हैं मुझे। मत सुनाओ, आज ही कोई निराला काम नहीं किया, इससे पहले भी अच्छे कर्म किए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छे कर्म का फल भी बुरा होता है, उदाहरण हूं मैं। लो, हो गया अच्छा। बिना पैसों के ऑफिसर के पास भी नहीं जा सकती और बिना सील खुलवाए घर भी नहीं जा सकती, हमेशा की तरह वही के वही रह गई मैं।
वही की वही। सच कहूं तो मुझे तो तुम डूबती हुई दिखाई दे रही हो सविता। अब की ना तुमने पते की बात, और कोई सहारा भी नहीं दिख रहा जो मुझे डूबने से बचा सके। ये लो, ये बचाएगा तुम्हें हर मुसीबतों से। कमल का फूल, ये दूंगी मैं उसे। वो ऑफिसर बिना पैसे के नहीं मानेगा। इस कमल के फूल को कभी गौर से देखा है? हर दिन डूबता है ये, हर रात पूरी तरह पानी में समा जाता है। ऐसा लगता है जैसे खत्म हो गया हो, और अगले दिन फिर उभरता है। डूबकर उभरना ही इस कमल की पहचान है। इंसानों को भी बस यही समझने की देर है। तुम भी डुबकी लगा दो अपनी परेशानी में। उसके बाद जो सविता उभर कर आएगी, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि पीछे मत हटो, जाओ मिलो उस ऑफिसर से। उससे मिलके क्या होगा? दुकान पर सील उसी ने लगाई है ना, तो जो होगा उसे मिलकर होगा। और सुनो, ये लो। चलो फिर, मुझे भी छोड़ दो। कल तो मना कर रही थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। कल की बात कुछ और थी सविता, आज फिर से हमारे रास्ते एक हैं। रास्ते तुम्हारे रोज बदल जाते हैं। कोई घर भी है तुम्हारा, या किसी होटल वोटल में रुकी हो? आओ बैठ जाओ। रहती तो मैं भक्तों के मन में हूँ सविता, बस भक्ति मुझे दुनिया में खोजने लगी है।